आज मैं आप लोगों के साथ काशी स्पर्ल कॉस्मेटिक का एक पार्सल जो कि मेरे पास आया है उसकी अनबॉक्सिंग शेयर करूंगी और कुछ वायरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूं और आप लोगों को भी यूज़ करने चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैं इसको क्यों यूज़ करती हूं, मुझे इनसे क्या बेनिफिट्स मिले हैं और आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये सब चीज़ें आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ 3 पार्सल्स का इनबॉक्स करूंगी और साथ साथ चीज़ें बताऊंगी भी कि मैं कौन सी चीज़ें रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ और आप लोगों को भी वो यूज़ करनी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले जो मेरे पास पार्सल था ना वो था काशी स्पर्ल की तरफ से और मैंने इसका काफ़ी दिनों से मैं इनकी एड्स देख रही थी फेसबुक पर, तो मैंने सोचा कि मैं इसको मंगवा लेती हूँ क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम नहीं था। मैं बस इंतज़ार में थी कि कभी इनकी डील्स चलें, कभी इनकी सेल्स लगें तो ही मैं इनसे ऑर्डर करूँ। दूसरा पार्सल मैंने ओलिव नेचुरल से मंगवाया था। ओलिव नेचुरल्स की पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, इस वीडियो के एंड पे मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ लगा दूंगी, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। आप मेरी वो वाली वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं पहले से क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और अभी मैंने अगेन जो प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये है जी काशी स्पर्ल का, सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ये है काशी स्पर्ल का एक्स्ट्रा वाइटनिंग फेशियल किट। अच्छा, इस फेशियल किट की ना बहुत रेटिंग है, ये जिस जिसके पास भी गया ना मेरा ये फेशियल उसने इसकी बहुत तारीफ़ की क्योंकि इसका इनका फेशियल्स बहुत अच्छा है। इसमें क्या क्या स्टेप्स है वो सब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इनकी चल रही थी डील। डील थी 2500 में, डिलीवरी भी फ्री थी और ये अपनी एक नाइट क्रीम जिसकी 750 रुपीज़ प्राइस है वो भी इसमें गिफ्ट कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं। अभी मैं इसको यूज़ करूँगी देन आपको बताऊँगी कि ये कैसी है, क्या आप लोगों को भी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या अब क्या हम इसको यूज़ करेंगे तो कोई स्किन पे कोई बेनिफिट्स हैं भी हैं या नहीं है। तो बॉक्स इसका आते आते ज़रा फट गया, इसके लिए क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो बस बहरहाल ये क्रीम इन्होंने मुझे भेजी है और ये सेट है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और डिलीवरी भी फ्री है 2500 रुपीज़ में और ये वर्थ इट है। वर्थ इट क्यों है ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ, आप लोग देखिएगा। अभी मैं इसका बॉक्स आपको खोल कर दिखाती हूँ। अच्छा, डब्बे की पैकेजिंग से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि थोड़ी सी लोकल सी है लेकिन अंदर से क्रीम की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो मैं वन बाय वन चीज़ें आपको निकाल के दिखाती रहती हूँ। इसके अंदर हमें 6 डिफरेंट तरह की चीज़ें मिलती हैं और एक ब्लीच क्रीम, यानी कि टोटल 8 आइटम्स हैं इसके अंदर। तो ये सबसे पहले जो आता है ना, मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसकी प्राइस जो है ना, पहले इनकी प्राइस थी जब मैंने मंगवाए थे 2 फेशियल किट मंगवाए थे, एक मैंने अपने लिए और एक सिस्टर के लिए, वो काशीज़ का वाइटनिंग फेशियल था और उसकी जो जार्स थे वो छोटे थे। अब इन्होंने अपनी पैकिंग जो है वो बड़ी कर दी है, तो तकरीबन 15-20 फेशियल आप इस एक फेशियल से कर सकते हैं और अगर आप लोग पार्लर का काम करते हैं तो भी आप लोग इसको मंगवा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इनका है। इसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी इसको यूज़ करके भी। तो इसके अंदर आपको मिलता है मसाज क्रीम मिलती है, ब्लीच क्रीम मिलती है, उसके अलावा आपको मिलता है इसके अंदर स्किन पॉलिश मिलता है, स्क्रब मिलता है और क्लिंजिंग मिल्क मिलता है और क्लिंजर भी मिलता है और ब्लीच क्रीम के साथ इन्होंने एडिशनल जो है कैप्सूल्स भी ऐड किए हैं। ये पूरी 6 सेट्स की चीज़ें हैं और ये कैप्सूल भी इन्होंने ऐड किया हुआ है। मसाज क्रीम इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर आप लोग कुछ भी नहीं ना करते, आप इनका खाली जो है ना, इनका जो स्किन पॉलिश और स्क्रब भी कर लेते हैं ना, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत वाइटनिंग आ जाती है, स्किन बहुत अंदर से डीप हाइड्रेट हो जाती है, नीट हो जाती है। इस फेशियल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर बाय कीजिएगा। अभी तो डील है, डील से फ़ायदा उठा लें। 2500 रुपीज़ में इतने बड़े जार साइज़ आपको मिल रहे हैं, साथ ब्लीच क्रीम का जो पाउडर इनका था, ब्लाउंडर पाउडर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी। पहले इनकी पैकेजिंग बहुत छोटी थी लेकिन अभी इन्होंने पैकेजिंग बड़ी कर ली। सेकेंड पार्सल में मैंने मंगवाया था इनसे ओलिव नेचुरल्स की प्रोडक्ट्स मंगवाई थी। अच्छा, ये ओलिव नेचुरल्स का ये विटामिन सी सीरम मैंने मंगवाया है, ये मैं पहले से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये बहुत अच्छा है। मैंने इसको यूज़ किया था, मेरी स्किन के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट्स थे वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बहुत लाइट हो गए थे, लेकिन फिर गर्मियाँ आ गई और मैंने उसको छोड़ दिया, तो अब मैंने अगेन मंगवाया ताकि मैं करूँ। और फेस वॉश भी मैंने विटामिन सी का मंगवाया है, विटामिन सी की क्रीम भी मेरे पास अवेलेबल थी जो कि मैंने अभी लगाना छोड़ी हुई थी लेकिन अब मेरे पास थी इसलिए मैंने मंगवाई नहीं। अदरवाइज़ आप ये 3 का सेट लेते हैं, यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा। ये अंडर आई क्रीम मंगवाई है लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको वापस करवाना पड़ेगा, क्यों वो तो मैं आपको अभी आगे चल के बताती ही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर सारे बेनिफिट्स और सारा तरीका और इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, आप लोग पढ़कर ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं सीरम का आपको दिखाती हूँ। सीरम जो है ना, ये देखें इस तरह से कंसिस्टेंसी होती है इसकी, अच्छा खासा थिक सीरम है। अगर आप लोग इस प्राइस में अगर मैं बात करूँ तो
बाजू का ऐसा होता है कि अफोर्ड नहीं कर पाता इंसान सीरम्स, क्योंकि सीरम्स बहुत एक्सपेंसिव है अच्छे सीरम्स। लेकिन ओलम नेचुरल्स की ये बात है कि इनका इनके जो सीरम्स हैं ना, एक तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और दूसरा इकोनॉमिकल हैं। मैंने ये सब चीज़ें खुद से बाय की हैं, मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। किसी ब्रांड ने मुझे कोई पीआर नहीं सेंड किया, कोई उनके साथ मेरी कोलैब नहीं है। मैंने ये अपने पैसों से खर्च किया है। जो चीज़ अच्छी है मैं आपको वो बताती हूँ, जो चीज़ अच्छी नहीं होती मैं आपको बताती हूँ। वो भी ये सीरम बहुत अच्छा है अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, आई बैग्स आए हुए हैं, आपके पफिनेस है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी तो आपको पता है हमारी स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है। अब आते हैं इस क्रीम की तरफ। तो ये क्रीम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं, इस क्रीम को जैसे ही मैंने खोला ना तो मेरा दिल बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई है। मुझे नहीं पता कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होती है या अलग से होती है। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे ये क्रीम फटी फटी सी है, जैसे फट गई हो। अब पता नहीं ये ऐसी है या होती ही ऐसी है, अब ये मुझे ब्रांड से पूछना पड़ेगा। लेकिन जब तक मैं पूछ के आप लोगों को बताऊँगी तो फिर ही आप इसको मंगवा लीजिएगा और यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ मैं अभी रिकमेंड इसको नहीं करी कि आप इसको मंगवाएं। अच्छा जी, अब आते हैं विटामिन सी सीरम की तरफ। इनका ये सीरम मैंने अनबॉक्सिंग जब आपके साथ शेयर किया तो ये सील पैक था। मैंने इसको फेस वॉश करके आई हूँ एक दफ़ा कि मैं आपको वीडियो में बता सकूँ। दोबारा जब मैं करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। अगर मैं इसके कंपेरिजन की बात करूँ तो ये ज़ारा ब्यूटी का जो फेस वॉश है वो मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ और इसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। तो जो बेनिफिट्स मुझे ज़ारा ब्यूटी के फेस वॉश से मिल रहे थे, सेम वही बेनिफिट्स मुझे ओलम नेचुरल्स के इस फेस वॉश से मिल रहे हैं। तो फिर हम महंगे की तरफ क्यों जाएं, क्योंकि ओलम नेचुरल का ये फेस वॉश सिर्फ 350 रुपीज़ का है। तो पैसे बचाओ अपने लिए और अपने लिए। अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट पार्सल की तरफ। थर्ड एंड लास्ट पार्सल की तरफ जो कि मैंने मंगवाया है, मैंने मंगवाई है और ये है एपीके की वैक्स, जो कि है एपीके की। और एपीके की वैक्स स्ट्रिप्स बहुत अच्छी होती हैं। इनकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मैं इनकी सिर्फ ये वैक्स स्ट्रिप्स ही यूज़ करती हूँ। अगर मैं आपको वीट से इसका कंपेरिजन करूँ तो इसकी जो कंसिस्टेंसी और इसके अंदर जो वैक्स होती है एपीके की ज़्यादा अच्छी है वीट की नस्बत। और वीट महंगा भी है। वीट की वैक्स स्ट्रिप्स हैं इस टाइम पे 750 रुपीज़ की, हाँ 12, और इसकी हैं 12 पीसीज हैं 500 and something rupees की, और वाउचर लगा कर ये मुझे मिली है 425 रुपीज़ की। इसकी साइड्स को अगर हम कट करें तो ये बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। और इसको अगर हम यूज़ करने से पहले 10 सेकेंड के लिए ओवन में लगा लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो आप लोगों को अगर पहले से यूज़ कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा, और अगर नहीं यूज़ कर रहे तो यूज़ करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।